सरकार गठन को लेकर के दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। जीतनराम मांझी, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे भी पहुंच रहे हैं। आज की बात करें तो अध्यक्ष सुदेश महतो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। टीडीपी और जेडीयू बीजेपी को सौंपेंगे समर्थन पत्र। वही एनडीए पेश करेगी अगली सरकार बनाने का दावा। तो आज ही नीतीश और नायडू सौंप सकते हैं समर्थन पत्र। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। वही बैठक में, एनडीए की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। मंत्रिमंडल गठबंधन को लेकर के चर्चाएं भी संभव है। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ भावना जुड़ चुकी हैं। भावना, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू पाला बदल सकते हैं। एनडीए की आज बैठक होने वाली है, इंडिया गठबंधन की भी आज बैठक होने वाली है। सरकार नया बनने वाला है, क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं भी आपको बता दूं कि मैं 7 RCR यानी कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जो है खड़ी हूं, और यहां पर अमित शाह यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं। यानी कि कैबिनेट जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है। यहां पर एक प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा जिसमें वर्तमान की कैबिनेट को भंग किया जाएगा, और उसके बाद उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास जो है लेकर जाया जाएगा, जिस पर राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाएगी कि ये कैबिनेट भंग होती है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी एक बैठक कैबिनेट की बैठक के बाद होनी है, जिसमें सभी एमओएस, सभी मिनिस्टर्स मौजूद रहेंगे, जो कि एक ऑफिशियली तौर पर अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि वर्तमान की सरकार को जो है मोदी सरकार 2.0 को जो है भंग करना है, और इसके बाद जो है नई सरकार के गठन के लिए जो है ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि एक तरफ अभी जो बैठक चल रही है कैबिनेट की, इसमें एक प्रस्ताव आएगा जिसमें वर्तमान की कैबिनेट को भंग करने को लेकर ये प्रस्ताव होगा, जो कि राष्ट्रपति के पास जाएगा, जिस पर एक मोहर लगेगी, और इसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या होगा वो भी हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, जो कि इस बैठक के बाद यहीं पर होनी है, जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री के आवास के बाहर। और उसमें भी यही प्रक्रिया फॉलो होने वाली है कि एक प्रस्ताव रखा जाएगा और मंत्रिपरिषद को भंग किया जाएगा, और ये दोनों चीज़ें जो है आज ही के दिन होगी। और अभी क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आवास में मौजूद है और यहाँ पे पूरा कैबिनेट जो है वो पहुँच चुका है, और इस तरीके का प्रस्ताव रखा जाएगा। और एक प्रस्ताव यहाँ पर और आएगा कि सरकार ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया, उसको भी जो है पटल पर रखा जाएगा। और वहीं एक जो सबसे ज़रूरी बात है कि धन्यवाद ज्ञापन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य और कैबिनेट के सदस्य जो है धन्यवाद देंगे। एक तरीके का धन्यवाद ज्ञापन भी प्रधानमंत्री के लिए किया जाएगा यहाँ पर। इनकी 3 चीज़ें यहाँ पर होगी। एक चीज़ ये कि जिसमें राष्ट्रपति अगर हम बात करें, सबसे पहले तो एक प्रस्ताव आएगा जिसमें लोकसभा भंग हो, कैबिनेट भंग होगी, इसके बाद मंत्रिपरिषद भंग होगी, और ये दोनों ही प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएंगे, जिस पर मोहर लगेगी, नई सरकार बनाने का दावा पेश होगा। और इससे इसी दौरान जो है प्रधानमंत्री और बीजेपी और एनडीए सरकार अगर हम कहें तो कैसा काम रहा 5 साल का, उस प्रस्ताव को भी, उस रेजोल्यूशन को भी यहाँ पर रखा जाएगा। जी भावना, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज एनडीए भी बैठक लेने वाली है और इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली। भावना, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि यहाँ पर एन फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। भावना, सवाल हमने पहले भी यही किया था कि एन फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है दोनों गठबंधन के लिए। अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के लिए भी प्ले कर रहा है और एनडीए गठबंधन के लिए भी प्ले कर रहा है। नीतीश कुमार के पहले भी रिकॉर्ड रह चुके हैं कि वो पाला बदलते रहते हैं। बिहार की अगर सरकार की बात करें तो बिहार सरकार में लगातार ऐसे कई बार उनके रिकॉर्ड्स रहे हैं, 5-6 बार रिकॉर्ड्स रह चुके हैं जिसमें उन्होंने पाला लगातार बदले हैं। अब इसमें भी संशय बरकरार है कि क्या करेंगे नीतीश कुमार। एन फैक्टर यहां पर इंपॉर्टेंट रोल, इंडिया गठबंधन भी लगातार डोरे डाल रही है नीतीश कुमार के ऊपर, चंद्रबाबू के ऊपर। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे, क्या संभावना है, क्या एनडीए में शामिल रहेंगे, बने रहेंगे, या फिर पाला बदलने का तैयारी है, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? The cat sat on the mat.
देखिए आपको मैं जानकारी दे दूं यहाँ पर कि जिस तरीके से भी आपने सवाल किया, यही अगर आप सवाल की बात करेंगे तो थोड़ा सा इससे इतर होकर बात करते हैं। खबरें ये भी बीच में उठी थी पिछले 24 घंटों में कि नीतीश कुमार शरद पवार से संपर्क में है और शरद पवार जो है वो नीतीश कुमार के संपर्क में है, लेकिन शरद पवार ने इस बात को साफ कहते हुए कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, इसीलिए वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं। शरद पवार अब क्योंकि दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज शाम को इंडिया गठबंधन की बैठक 6 बजे जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होनी है। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये समझिए कि शरद पवार ने तो अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, अब बात आती है नीतीश कुमार की। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्योंकि एनडीए घटक दल के बड़े नेताओं में भी गिने जाते हैं, टीडीपी की अगर आप बात करेंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, तो दोनों ही नेता जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच में वो दिल्ली पहुंचेंगे और इसी जगह पर जहां पर मैं मौजूद हूं ठीक मेरे पीछे प्रधानमंत्री आवास पर ही बताया जा रहा है कि 4 बजे वो बैठक शुरू होंगी। अगर उस बैठक में अगर आप जिस तरीके से संशय बरकरार नजर आ रहा है लेकिन वो बैठक में शामिल होंगे तो वो संशय पे कहीं ना कहीं एक तरीके की मोहर लगती हुई जो नजर आ रही थी वो हट जाएगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार भी एनडीए की बैठक में शामिल होंगे और अपने अपने जो मत है वो यहाँ पर रखेंगे। जीत की समीक्षा भी होगी और सभी एनडीए के घटक नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नीतीश कुमार और चंद्र बाबू यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए अब देखने वाली बात ये होगी कि अगला इनका कदम क्या होगा, क्योंकि यहाँ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।